नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के ऊर्जावान एवं दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा अभिनव और महत्वाकांक्षी योजनाएं आरंभ की गई हैं। महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त कर समाज के समग्र विकास की दिशा में कदम बढ़ाते हुए शुरू की गई मुख्यमंत्री एक बीघा योजना इन्हीं में से एक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को जोड़कर ग्राम स्तर पर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की परिकल्पना इस योजना में की गई है। ग्रामीण परिवेश में रहने वाली महिलाओं के लिए स्वावलंबन के नए द्वार खोलने के दृष्टिगत ये योजना कारगर सिद्ध हुई है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। कैसे एक छोटा सा प्रयास जीवन में बदलाव ला सकता है, यह समझने के लिए आप एक बीघा योजना के लाभार्थियों से मिल सकते हैं। इनके खिले चेहरे ही एक बीघा योजना की सफलता है। जयराम सरकार की यह अभिनव योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हर संभव कदम उठा रही है। सरकार के इन्हीं प्रयासों का ही नतीजा है कि महिला सशक्तिकरण में हिमाचल प्रदेश देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनकर उभरा है। जयराम ठाकुर ने अपनी दूरगामी सोच के तहत 21 मई 2020 को मुख्यमंत्री एक बीघा योजना शुरू की थी। इस योजना में मनरेगा को जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की जा रही है। इसके तहत एक महिला या उसका परिवार जिनके पास एक बीघा तक की भूमि है, वह सरकारी मदद से फल व सब्जी उगाकर आत्मनिर्भर बन सकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बने स्वयं सहायता समूह की कोई भी महिला सदस्य इस योजना का लाभ उठा सकती है। इसके तहत 1,00,000 रुपए तक की सहायता दी जा रही है। योजना का लाभ लेने के लिए महिला के पास मनरेगा जॉब कार्ड होना जरूरी है। राज्य में इस योजना में 5,000 स्वयं सहायता समूहों के जरिए 1,50,000 महिलाओं को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। किचन गार्डनिंग के लिए प्रोत्साहन। राज्य में मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन का अनुसरण कर ग्रामीणों को किचन गार्डनिंग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं किचन गार्डन में पोषण युक्त फल और सब्जियां उगाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। मुख्यमंत्री एक बीघा योजना में राज्य में भूमि सुधार, नर्सरी उत्पादन, फलदार पौधारोपण, केंचुआ खाद गड्ढा निर्माण, अजोला पिट निर्माण, सिंचाई और जल संचयन संरचना निर्माण और गौशाला निर्माण जैसे कार्य किए जा रहे हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य में वर्ष 2020-21 में इस योजना में 11,254 कार्य स्वीकृत किए गए। इनमें से 1,690 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। अब तक विभिन्न कार्यों में लगभग 17,91,00,000 रुपए खर्च किए जा चुके हैं। वर्ष 2021-22 में राज्य के विभिन्न जिलों में इस योजना में 2,281 कार्य स्वीकृत किए गए, जिनमें से 1,045 शुरू हो चुके हैं। चालू वित्त वर्ष में नवंबर तक 852 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। इनमें करीब 4,25,00,000 रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस तरह मुख्यमंत्री एक बीघा योजना महिलाओं के जीवन में खुशहाली ला रही है। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने पिछले 4 वर्षों में भरसक प्रयास किए हैं। योजना के उत्साहवर्धक परिणाम मिलने के उपरांत वर्ष 2022-23 के बजट में राज्य सरकार ने 50,000 एकड़ भूमि प्राकृतिक खेती के तहत लाने की प्रतिबद्धता जताई है। प्राकृतिक कृषि कर रहे सभी किसानों को पंजीकृत किया जाएगा और श्रेष्ठ 50,000 किसानों को प्राकृतिक कृषक के रूप में प्रमाणित किया जाएगा। प्राकृतिक उत्पादों की खेती के लिए दिल्ली और प्रदेश के चयनित स्थानों पर बिक्री केंद्र भी खोले जाएंगे। वहीं प्रदेश के 100 गांवों को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्राकृतिक कृषि गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के प्रदेश सरकार के प्रयास जिला ऊना में भी रंग ला रहे हैं। जिला के 9,857 किसानों ने केमिकल वाली खेती छोड़ दी है और अब कम लागत में अधिक मुनाफा कमा रहे हैं।
आज जिला ऊना में 754 हेक्टेयर भूमि पर किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके जिला ऊना के किसान मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का धन्यवाद करते हुए कहते हैं कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलने से रसायन मुक्त फसलों का उत्पादन कर किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं। लोअर बसाल के किसान जोगिंदर पाल ने प्राकृतिक खेती की राह पकड़ ली है। कई वर्षों तक रासायनिक खेती करने के चलते उनके खेतों की उर्वरकता कम होने लगी थी और लागत भी बढ़ रही थी। इन्हीं परेशानियों से पार पाने के लिए उन्होंने कृषि विभाग से संपर्क कर सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती पद्धति के तहत वर्ष 2018 में पालमपुर में प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत एक कनाल भूमि पर प्राकृतिक खेती आरम्भ की। परिणामों से संतुष्ट जोगिंदर वर्तमान में 25 कनाल भूमि पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। पालनपुर में या करके श्री सुभाष पालेकर जी से ट्रेनिंग ली तो मेरे को कुछ समझ में आया, और आकर के मैंने जो खेत में किया ना रियल में, तो उसमें काफी मेरे को पता चला कि ये खेती यूरिया से बढ़िया है। और मैं 2018 से पहले एक कनाल से चालू किया था मैंने ये खेती। अब मैं ये 25 कनाल में नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ। इसमें जो कि मेरा खर्चा है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, और जो मेरी आमदन है वो दुगनी हो रही है। जैसे कि आलू है जो कि यूरिया वाला, वो आजकल उसका रेट 10 से 12 रुपये मुश्किल से मिल रहा है, लेकिन जो मेरा नेचुरल आलू है ये 30 रुपये किलो बिक रहा है। कोई मेरे को इसमें दिख नहीं, जो खाने वाला वो घर आकर ही ले जाता है। तो ऐसे ही मैं जो सब्जियाँ लगाता हूँ, गोभी हुई, पालक हुई, मेथी वगैरह जो भी फसल लगाता हूँ, जो कि गाहका मेरे घर पे आकर मेरे से जो सब्जी ले जाते हैं, और मेरे को उससे अच्छा दाम मिल जाता है। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को राज्य सरकार के प्रोत्साहन के अंतर्गत जोगिंदर को पॉली हाउस लगाने के लिए 85% अनुदान दिया गया, जिसमें वे प्याज गोभी सहित अन्य फसलों के बीज उगाने का कार्य करते हैं। जैसे कि मैंने अभी पॉली हाउस लगाया, इसमें मैं पनीरियों का काम करूंगा, जैसे कि अगेते गोभी की पनीरी होगी, प्याज की पनीरी होगी, कुछ बिसेती पनीरी होती हैं, और इसमें मेरे को सरकार द्वारा 85% सब्सिडी दी गई है। इस पद्धति ने उनकी खेती का स्वरूप बदलने के साथ साथ जीवन में भी बदलाव लाया है। अब वे देसी बीजों को संरक्षित करने के साथ साथ आसपास के उन्नत किसानों को अपने साथ प्राकृतिक खेती करने के लिए जोड़ रहे हैं। पहला था केमिकल वाली खेती करते थे, हुना से साडे बेटा अपने गोबर दी खाद बना के ये डालता है, तो ठीक है, सानू बेनिफिट खरा आंदा है, खाने बात है भी स्वाद है इसका, सब्जी का भी, कणक का, फुलके का भी स्वाद ठीक है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।